तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी फॉर्मूले का यूज हुआ था एक एक प्रूव कर लिया। अब उनके एग्जाम्पल खत्म करेंगे। तो एग्जाम्पल थ्री की अगर मैं बात करूं, ये तो हम लोगों ने, ये फॉर्मूला ही तो है एग्जाम्पल थ्री। अगर मैं देखूं ये वाला साइन इनवर्स 2x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। और मैंने एक चीज और क्लियर की थी, ये जरूरी नहीं है 2 साइन इनवर्स एक्स का ये इकलौता फॉर्मूला है। दो तीन फॉर्मूले हो जाएंगे, डोमेन चेंज होते रहेंगे, फॉर्मूले बनते रहेंगे। तो हम लोगों ने जो प्रूव किया था, साइन इनवर्स एक्स को लेट किया था, साइन थीटा आया था, फिर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया था। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, बुक में देखेंगे, सॉल्यूशन तो अलग है। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, वो चीज़ ये क्लियर है कि अगर कहीं में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो पुट करो यार, क्या एक्स की जगह पे या तो साइन थीटा पुट कर दो या फिर कॉस थीटा। अगर कहीं पे आपको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वन कहीं मिलता है तो बिना सोचे समझे एक्स की जगह या तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा रख दो, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा रख दो। या अगर कहीं पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो आप एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट कर दें या फिर टेन का उल्टा टेन कॉट पुट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, और ऐसा नहीं हमेशा वन ही मिले। अगर आपको मान लो इस तरीके से मिल जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं हमेशा आपको वन ही मिलेगा। तो ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, और ये तरीका भी बताऊं ऐसे क्यों, तो एक्स की जगह ए लग जाएगा बस, यहां पे ए साइन थीटा रख देना या फिर ए कॉस थीटा। चमका? इस तरीके से केवल हम लोग वैल्यूज पुट कर देते और कुछ नहीं होता। लेकिन ये हो गई रटने वाली बात, आप लॉजिक कैसे लगाएं, क्योंकि बाई चांस एग्जाम में कंफ्यूजन होगी। आपके दिमाग में आ रहा है कि यार यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पता नहीं टेन रखा जाएगा साइन रखा जाएगा। तो पढ़े लिखे आदमी, मान लो कंफ्यूजन हो रही है, आपने रख दिया टेन यहाँ पे सपोज, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यार एक बात सुनो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना भैया हम लोगों ने, पक्की बात है ना, हमने ये पढ़ा है। तो चलिए वन माइनस, अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और रूट के अंदर क्या कभी माइनस मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमको पता लग जाएगा, रखते ही पता लग जाएगा यार आंसर तो नेगेटिव आ रहा रूट के अंदर, इमेजिनरी नंबर। चमका? या फिर एक काम कर सकते हैं इसको, अब हाँ माइनस, अब कोई इंटेलेक्चुअल बच्चा हो कि सर माइनस को क्या थीटा के अंदर लेके जा सकते, बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, कि कॉस और सेक में माइनस वाला बाहर ही रहता है। ठीक है, हाँ एक और दिमाग लगाओगे कि सर हम इस माइनस को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या है, ये सिंपल सी चीजें हैं याद रखो। अब मैंने क्यों कहा कि इसकी जगह साइन थीटा रखो, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे आपने रखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, पास में आ रही ना। तो इस तरीके से, तो जैसा एनसीईआरटी ने किया, अब रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये वाला कंसेप्ट है, या ये पुट कर दो या ये पुट कर दो, आंसर एक ही आएगा। तो चलिए, तो एक्स की जगह हम लोग पुट करते हैं साइन थीटा, तो ये हो गया, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने क्या पुट किया, एक्स की जगह साइन। चमका? जैसे मैंने फॉर्मूले में प्रूफ किया था वैसे भी करके आ सकते, टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो साइन इनवर्स टू साइन थीटा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब सुनो एक चीज और, रूट के अंदर अगर मैं आपसे कहूं रूट फोर की वैल्यू अगर आप टू बोलते हैं तो आंसर गलत है, आंसर क्या होगा, प्लस माइनस टू। तो ऐसे सर यहां पे आपने प्लस माइनस क्यों नहीं, अब आ गया डोमेन वाला चक्कर। डोमेन में बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में कॉस किसका होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में कॉस नहीं सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये डोमेन का भैया थोड़ा सा लोचा है, आपको बेसिक बेसिक बातें आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया साइन, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन टू थीटा का, ये कितना हो गया टू थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा यहां से, हो गया एक तरीका ये हो गया। तो इस तरीके से अब ये आपको बातें याद रखें, और इंटीग्रेशन में इस चैप्टर को प्लीज भैया हल्के में इसलिए मत लो, इंटीग्रेशन में दबा के यूज है इस चैप्टर के, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन फाइंड करना सिखाएंगे इनवर्स वालों को, दबा के यूज है, इसीलिए कंफ्यूज मत हो। और स्टार्टिंग से एक चीज समझते हो दिमाग में, ये मतलब सिलेबस में है नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है अच्छे मार्क्स लाने का और नॉलेज के साथ, ये नहीं मार्क्स नॉलेज भी चाहिए ना, तो इसलिए एक चीज। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट खुद से करना, जल्दी बेटा आप यार बस चल देख इधर। अब ये टेन दो, यहाँ पे भैया फॉर्मूले का सिंपल सा यूज होगा, इसको एक्स लेट कर लो पूरे को, इस पूरे को वाई लेट कर लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस,
कर लेना सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे 3/4 आ जाएगा अपने आप, कोई टफ नहीं था ठीक है, फिर भी लिख के समझा दिया था एक बार। चलो इसे छोड़ो, इसे हटाओ। अब ये जो क्वेश्चन है यार देखो यही तरीका है। अब एनसीईआरटी में एक तरीके से सॉल्यूशन दिया गया, दो तरीके से, इसे कई सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक्चुअली दो तो बताऊंगा ही, एक और दोनों ही लॉजिकल हैं, एक बताएंगे देसी वाला जो कि बड़ा सिंपल है। तो देखो कैसे, टेन इनवर्स, हाँ इससे पहले एक चीज और बता दूं आपको यार, प्लीज देखो सारे बच्चे, साइन टू थीटा का अगर फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यस और नो, होता है या फिर नहीं होता, पक्की बात है? तो साइन थीटा कितना होगा, यहां पे एंगल का हाफ हुआ, इधर भी एंगल का हाफ हो जाएगा, पक्की बात है? अगर मैं आप देखो साइन थीटा बाई टू बताओ तो यहाँ फोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बस इसी का यूज होगा जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था अच्छे से। चलिए अच्छे, अब देखिए टेन इनवर्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पक्की बात है? तो क्या यहां पे ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, यस और नो? ठीक है जी। अच्छा जी, वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, लिख सकते हैं भैया बिल्कुल भी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। माइनस साइन एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू, चमका? इसीलिए मैंने वो चीज पहले बता दी थी अभी कि मुझे पता था उसका यूज होगा फ्यूचर प्लानिंग। चलिए अच्छा, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि टेंथ क्लास में अगर हमने पढ़ा अगर कहीं पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको साइन एक्स का होल भी लिख देते हैं, यस और नो? तो ये क्या फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, पक्की बात है? अपॉन, अब देखो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोई लिखे या कोई बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखे आंसर तो सेम आएगा, यस और नो? ओपन करके देख लो भाई, ओपन स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस का भी स्क्वायर प्लस, चमका? तो यहां पे कंफ्यूज मत हो ना कि सर साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू का स्क्वायर लिखे या कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं लिखता हूं कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, पूछो क्यों, पूछो क्यों, सिंपल था, कैंसिल हो जाता। अगर आप इसको ऐसे लिखते साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू, कैंसिल करते माइनस कॉमन आता, फिर इसको उल्टा करते माइनस से माइनस कट जाता, ठीक है? तो अगर जो मैंने बोला झमेला नहीं समझ आ रहा तो सिंपल देखो ना कि ये सेम है, तो एक से ये सही हो गया, यस और नो? अच्छा, कॉस एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू साइन एक्स वाई टू साइन, कोई होशियार बच्चा ऐसा तो नहीं है जो कॉस से कॉस काट कूट के मजे ले ले, ऐसे नहीं कटेंगे, मैंने कहाँ काटा। चलिए अच्छा, आप देखो अच्छा एक चीज और इस चैप्टर में, यस देखो यार, अगर टेन इनवर्स है तो हमारा टारगेट क्या होता है कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर या तो टेन में कन्वर्ट कर दो या कॉट में कर दो, अगर साइन में किया कॉस में किया सेक में किया कॉसेक में किया कोई भी फर्क नहीं पड़े, कैंसिल तो होंगे ही नहीं। तो अब मैं ऐसा करता हूं, सुनो, कॉस एक्स वाई टू से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि अभी पता लग जाएगा कॉस एक्स वाई टू का कॉस एक्स वाई टू में डिवाइड हुआ कितना आया, और साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू, चमका? अपॉन इसके साथ हुआ दिस माइनस टेन एक्स वाई टू, मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है? अच्छा, वन को टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, क्योंकि टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, इसे भी हमने जुगाड़ कर दी, ये चार नंबर का क्वेश्चन है। अब ये फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस टेन बी क्या, तो कोई दिक्कत उसको भी आप फॉर्मूले पे गए, हमने ये लिख दिया, और इंटू वन भी तो होता है, किसी के साथ वन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब टेन पाई बाई फोर का, मैं उसे बताता बाद में क्योंकि फॉर्मूला बनाना था ना हमको। चलिए अच्छा, ये हो गया, अब ये फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन इंटू टेन बी, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए टेन सही हो गया, पाई बाई फोर प्लस, यही आंसर आ रहा होगा, देखो जरा क्लियर है, पक्की बात है सच्ची? अब एक और तरीका है, हाँ, और घर पे आके ये भी कर लेना, ऐसा नहीं है साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू से भी आंसर है, एक और तरीका है मल्होत्रा, लेकिन वो लॉजिकल बन जाएगा, हो सकता है उसमें आपको टफ लगे, लेकिन हम करेंगे, क्यों, हमारे छोटे मोटे चीज नहीं है कि हमें आंसर आ गया ठीक है सर अब रहने दो, नहीं, एक और देखते हैं, एंजॉय करेंगे। अब देखो जितने देखो मैथ्स में
क्वालिटी इंप्रूव करना ना कि क्वांटिटी इंप्रूव करना। ये मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि क्वांटिटी नहीं क्या, मैं 100 क्वेश्चन करें या 10 क्वेश्चन करें उस पर नहीं जाएंगे। कॉस एक्स है नीचे साइन एक्स है, देखो जरा यस, क्या हम कॉस एक्स को, यार क्या हम कॉस एक्स को ये लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और लॉजिक बताएंगे क्यों सर, कैसे सोचा और क्यों लिखा, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, वन माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, यस और नो, मुझे नहीं रहता कोई डाउट। अब आप कहेंगे सर क्यों कन्वर्ट किया, तो अब देखो अगली लाइन में ये इस देखो साइन के बाद कुछ भी लिखा है, कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है वो साइन के लिए उसका एंगल माना जाता है, यस और नो। तो ये साइन का एंगल है, मतलब इसे आपको समझाने के लिए, मतलब थीटा है ये, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मल्होत्रा, टू साइन थीटा बाई टू, तो थीटा कितना है पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो कॉस के ये पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, चमका इस पूरे को हमने थीटा कंसीडर कर लिया ना, ठीक है, अपॉन वन माइनस कॉस, इसको थीटा लेट करो, कॉस थीटा ही है भैया, कॉस के चार फॉर्मूले होते हैं लेकिन हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये वन कैंसिल हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, यस और नो, तो माइनस ने अंदर एंट्री की ये प्लस का हो गया, इससे ये शहीद हो गया, एक एक करके देखना, टू से टू शहीद हो गया, यहां पे दो है ये यहां पे एक है, एक साइन से ये चला गया, चमका सब कुछ चला गया ना। अब कितना बचा, टेन इनवर्स कॉस और साइन कितना होता है, कॉट पाई वाई टू माइनस एक्स वाई टू, यस और नो, पक्की बात है भैया, यहां कॉट आ गया ये टेन है कैंसिल नहीं होंगे, तो क्या मैं कॉट को टेन पाई बाई टू माइनस थीटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। पहले यहां पे एलसीएम ले लूं, ये टू है ना, ये नीचे भी टू है, तो देखो चलो आपको साइड में लेके दिखा देता हूं, पाई बाई टू माइनस एक्स का एलसीएम कितना है टू, तो पाई माइनस टू एक्स हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर हो जाएगा नीचे, क्यों ये टू है और एक और टू पहले से, ठीक है जी। तो चलो यार ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा कितना है पाई माइनस टू एक्स अपॉन फोर, ये हट गया टेन से टेन, इसका एलसीएम ले लो फोर आएगा, तो टू टू जा फोर टू पाई, ठीक है सर, माइनस का पाई प्लस का टू एक्स, तो ये कितना हो गया पाई बाई फोर, चलो एक ही साल लिख देते हैं पाई प्लस टू एक्स अपॉन फोर, और देखो यही आंसर आ रहा था हमारा यहाँ से भी देख लो जरा, क्योंकि फोर का इसके साथ करेंगे पाई बाई फोर, इसके साथ करेंगे टू टू जा फोर, तो एक्स बाई टू आ जाएगा, चमका पक्की बात है भैया, ठीक है। और देखो डोमेन का यूज बताऊं, यहां से मैंने 10 से 10 कट कर दिया, बट मुझे पता ही ऐसा तभी होगा जब ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होगा, ठीक है, तो वो सब इसमें दिया था डोमेन में, हमने डोमेन नहीं लिखा, आंसर तो भी आ गया लेकिन लॉजिक के लिए बताता हूं ऐसा क्यों होता है, दोनों तरीके समझ आए, पक्की बात है। हाँ ये बता दूं क्यों मैंने कन्वर्ट किया था, कॉस में ही केवल एक ऐसा फॉर्मूला है जो वन को हटा सकता है, जो वन को हटा सकता है, अब वन किसके साथ था, साइन के साथ, अब साइन से वन हटा ही नहीं सकते, कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं कि साइन से वन हटा दो, कॉस से हटता है वन, तो मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, चमका, ठीक है। नंबर सिक्स देखते, देखो कहने को तो ये बहुत सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, तो मैंने आपको बताया था एक्स की जगह क्या पुट कर दो, sec थीटा या cosec थीटा, मैं दोनों पुट करके दिखा दूंगा, आंसर सेम ही होगा, इसी क्वेश्चन में बता दूंगा, मतलब बार बार मैं बोलूं कि ये पुट कर दो वो पुट कर दो, हर बार दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा ना, तो इस बार दोनों वैल्यू से दिखा दूंगा। चलिए अच्छा देखते इधर, cot इनवर्स 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan हो जाएगा ये, तो 1 अपॉन tan क्या होता है cot थीटा, तो आंसर कितना आ गया थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या होगी sec, पक्का, वेयर इज माई मार्कर दूसरा वाला, ये रहा। चलिए अब इसमें हम क्या करें, एक्स की जगह जैसा मैंने बताया था कि यार कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, चलिए भैया पुट करो यार, तो कॉट इनवर्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होगा कॉट थीटा, यस और नो, तो ये हो गया यार टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट पाई वाई टू माइनस थीटा, कॉट से कॉट हट गया पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा क्या है, ओ भाई अब आप लोग कहो सर ये आ रहा है, ये आ रहा है, सेम ही तो है यार, एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था सेक इनवर्स एक्स
प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू, तो यहां से सेक इनवर्स एक्स निकालो क्या आएगा डियर, यस और नो, सेम ही तो है इसका मतलब। चलिए एक चीज और, इसी क्वेश्चन में सारा सब कुछ बता दूंगा, सिंपल क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आएगा कि सर ये कैसे पहचान लिया। एक तो मैंने बताया था अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग आप में तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज इसको निकाल भी सकते हैं। भैया हाथ देना अपना जरा, अब सुनो तो देखो अभी मैंने ये कहा था कि अगर इस टाइप का है तो आप इसकी जगह मैंने कहा सेक थीटा रख दो, तो बस वो मैं वही बताना चाह रहा हूं कैसे। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोगों ने शुरुआत से यही किया कि जो भी इनवर्स में है उसको थीटा लेट कर लो। चलो ठीक है सर, तो कॉट थीटा कितना होगा। अब हमको करना क्या है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, कायदे में देखा जाए कि एक्स की जगह क्या चीज पुट करनी है। अब सुनो, अब ये ऊपर जाएगा तो कॉट का उल्टा क्या होगा टेन थीटा, और ये चला जाएगा ऊपर। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। अब अंडर रूट है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये माइनस वन इस तरह आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जब भी हटता है तो अंडर रूट प्लस माइनस, तो सेक थीटा आ गया। मैंने आपसे यही तो कहा था कि एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करते हैं सेक थीटा। अब कन्फ्यूजन क्या सर, प्लस माइनस आया आपने प्लस पुट किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में देख लो मॉडुलस एक्स लगा हुआ, देख लो जरा मॉडुलस का मतलब क्या होता है प्लस, इसलिए मैंने प्लस को लिया। तो हम अगर एग्जाम टाइम आप भूल गए हैं कि यार क्या बताया था यहाँ पे सेक पुट करें कॉट पुट करें, कुछ मत करो एक्स ऐसे निकाल लो पुट करके पता लग जाएगा चमका। ठीक है अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, चलो अब हटाओ से। चलिए tan इनवर्स x प्लस, देखो यार अब ये भी देसी तरीके से करेंगे, एक सिंपल वाला क्या है कि ये तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई, क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आगे सॉल्व करूंगा, वो उम्मीद करना मत, इसको सॉल्व कर लो, क्लास सिक्स का क्वेश्चन बन गया, ऑटोमेटिक यही आएगा। लेकिन एक और तरीका है, इतना लेंथी हम क्यों करें कि जिसमें इतनी सारी हमें कैलकुलेशन फेस करनी पड़ रही है। तो एक बात ना सुनो, हम कुछ जुगाड़बाजी करते हैं और इसके अंदर टेन आ जाए कैसे भी, बाहर भी टेन है, तो एक्स की जगह टेन थीटा पुट करते हैं। पूछो क्यों, ये फॉर्मूला नहीं बन गया थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया टेन थ्री थीटा का, यस और नो। तो ये कितना आ गया थ्री थीटा, तो ये कितना आ गया थ्री टेन इनवर्स। अब आप कहोगे सर आरएचएस को सॉल्व, हाँ आरएचएस को सॉल्व किया, लाना तो ये था हमको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, आप तो ये लेके आ गए, कोई टेंशन नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, लिख सकता हूं ना, अरे यार थ्री को वन प्लस टू लिख सकता हूं। तो अब टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन, चमका कैसे भी कर लो, ये देसी तरीका था, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर था, लेकिन कैलकुलेशन थी। लास्ट एग्जांपल भी इसी में बता देते हैं कि वो तो बहुत बच्चों वाला है, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉस सेक इनवर्स एक्स। देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है एग्जाम्पल एट, सारे एग्जाम्पल हमने कर ली भैया जल्दी भगाओ यार, सिंपल सिंपल नहीं है।